हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे कि जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं उनमें से बहुत लोगों की इच्छा होगी कि उनका दोबारा जन्म पृथ्वी पर ना हो, वो हमेशा हमेशा के लिए भगवान के पास ही रहें, या फिर उनको वैकुंठ धाम प्राप्त हो जाए या गोलोक धाम प्राप्त हो जाए। तो एक ऐसा उपाय जो कार्तिक महीने में यदि कर दिया जाए तो उस व्यक्ति का जन्म पृथ्वी पर दोबारा कभी भी नहीं होगा। और उसके साथ ही जानेंगे कि दो बत्तियाँ, एक गोल बत्ती और एक लंबी बत्ती, कौन से भगवान के सामने प्रज्वलित कर देने से लक्ष्मी हमेशा आया ही करती हैं। तो पहला उपाय, कार्तिक महीने में दशमी तिथि के दिन जो व्यक्ति तुलसी की डंडी को घी में भिगोकर उसके बाद अपनी कामना कहकर भगवान के सामने दिए में रखकर उस डंडी को जला देता है और उससे भगवान की आरती उतार देता है, कहते हैं कि उसका जन्म दूसरी बार पृथ्वी पर नहीं होता, वो भगवान के गोलोक धाम में पहुँच जाता है, वो जिंदगी भर के लिए वहीं विराजमान रहता है। विष्णु पुराण का पाँचवा अंश कार्तिक खंड वर्णन करता है, या फिर स्कंद पुराण का कार्तिक खंड आप पढ़ेंगे तो वो वर्णन करता है कि 24 तरह के दिए होते हैं, उनमें सर्वाधिक श्रेष्ठ दीपक तुलसी दल का दीप होता है। दो तरीके के दीपक भगवान के सामने जलते हैं, एक गोल बाती का दीपक और एक लंबी बाती का। ये बहुत जाना जरूरी है कि कौन से भगवान के सामने कौन सी बाती का दीपक लगाना चाहिए। तो दोस्तों गोल बत्ती और लंबी बत्ती में जमीन आसमान का अंतर है। गोल बत्ती किस किस देवता को लगती है और लंबी बत्ती किस किस देवी देवता को लगती है ये जानते हैं। तो स्कंद पुराण और विष्णु पुराण दोनों कहती हैं कि जो लंबी बाती का दीपक होता है वो पितृ की जगह पर, पूर्वजों की जगह पर, बरगद पेड़ के नीचे और पीपल पेड़ के नीचे लंबी बत्ती का प्रमाण है। किसी भी देवी के स्थान पर, देवी का जहाँ पूजन करते हों, पार्वती माता का, दुर्गा माता का, लक्ष्मी माता का, जितनी भी जगह या जितने भी लोग देवी माता की पूजा करने जाते हैं तो उस जगह पर लंबी बत्ती का दीपक जलाना चाहिए। और जो गोल पत्ती का दीपक होता है वो हनुमान जी के मंदिर, शिव जी के मंदिर, राम जी के मंदिर, जितने भी देवताओं के मंदिर हैं वहाँ पर गोल बत्ती का प्रमाण है। और साथ ही जान लेते हैं कि लंबी बत्ती आखिर देवी के सामने क्यों जलती है और गोल बत्ती देवताओं के सामने क्यों। तो देवी के स्थान पर लंबी बत्ती इसलिए जलाई जाती है क्योंकि देवी माता वंश की वृद्धि, लक्ष्मी की वृद्धि करती हैं। और देवताओं के सामने गोल बत्ती का दीपक इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हमारा मन, हमारी चित्त वृत्ति भगवान के चरणों में लगी रहे और एक दिन हमें वैकुंठ में निवास मिल जाए, इसलिए गोल बत्ती लगाई जाती है। एक सहस्र बत्ती होती है। सहस्र बत्ती क्या होती है? तो अक्सर हमारी माताएँ 100 बत्ती या 108 बत्ती बनाकर साथ ही भगवान के सामने कार्तिक महीने में जलाती हैं, तो उस बत्ती का भी प्रमाण है। तो कुछ लोग कहना है कि सहस्रावली यानी 108 बत्ती क्यों जलाई जाती हैं? तो स्कंद पुराण कार्तिक खंड में स्पष्ट किया गया है कि सहस्रावली बत्ती यानी 108 बत्ती को जलाने का प्रमाण है। जिस व्यक्ति ने तीर्थ यात्रा न की हो, वो सारे तीर्थों में न जा पाया हो, या तीर्थ में गया हो और भगवान के दर्शन से वंचित रह गया हो, तो 108 बत्ती की एक बत्ती बनाकर किसी नारायण भगवान के मंदिर में या शिव मंदिर में यदि उन 108 बत्तियों को घी में भिगोकर उन 108 बत्ती को एक बत्ती बनाकर यदि देवता के मंदिर में जला दिया जाए तो सारे तीर्थों के दर्शन का फल उस जीव को उसी समय मिल जाता है। इतना बड़ा प्रमाण है 108 बत्ती का।